हेलो वेलकम गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड। तो गाइज यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे कि भैया डेटा ब्रीच वाले मामले कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं ऑनलाइन। तो जैसे कि शायद आपने कुछ दिन पहले सुना होगा या देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि फेसबुक का डेटा ब्रीच हुआ था। कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक कंपनी थी जिनके थ्रू उनका डेटा लीक हुआ था और फिर उसे कुछ अलग तरीके से यूज़ किया गया था लोगों को इम्पैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो नया डेटा ब्रीच का मामला आया है वो है पेटीएम की तरफ से। पेटीएम की तरफ से डेटा लीक हुआ है या डेटा शेयर हुआ है। तो यहाँ पे पेटीएम ऐप को शायद आप यूज़ कर रहे होंगे अपना फ़ोन रिचार्ज करने के लिए या फिर कुछ चीज़ें परचेज करने के लिए या फिर आप पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पे जो अभी तक हमें न्यूज़ मिली है उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसकी माने तो जो पेटीएम है, पेटीएम का जो यूज़र डेटा है यानी कि हमारा डेटा जो है वो शेयर किया गया है पीएमओ के साथ, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के साथ शेयर किया गया है हमारा डेटा पेटीएम के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि भैया पेटीएम के पास हमारा क्या क्या डेटा स्टोर्ड है जो कि वो शेयर कर सकती है पीएमओ के साथ या शेयर किया होगा पीएमओ के साथ, हमें इसका आइडिया नहीं कि क्या क्या शेयर किया है, बट उनके पास हमारा क्या क्या डेटा होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अगर आप एक वेरीफाइड यानी कि KYC वेरीफाइड यूज़र हैं तो आपका मोबाइल नंबर, आपका मेल आईडी, आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपकी लोकेशन, इसी तरह से बहुत सारा डेटा पेटीएम के पास होता है हमारा यानी यूज़र्स का। तो यहाँ पे जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं पेटीएम के ऊपर उसमें यही कहा जा रहा है कि भैया पेटीएम ने हमारा ये डेटा शेयर किया है पीएमओ ऑफिस के साथ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि कंपनीज हमारा डेटा आज से नहीं ले रही हैं, हमारा डेटा बहुत पहले से ले रही हैं जब से हम इस डिजिटल युग में जी रहे हैं यानी कि एंड्रॉयड और इंटरनेट को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा डेटा बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी एप्स के पास होता है और यहाँ पे हमें ये भी नहीं आइडिया होता कि भाई वो हमारे डेटा को किस तरह से यूज़ कर रही हैं, यानी कि वो डेटा हमारे अगेंस्ट यूज़ कर रही हैं या फिर वो हमारी सर्विसेज बेटर करने के लिए यूज़ कर रही हैं। ज़्यादातर या सारी कंपनीज यही बोलती हैं कि भैया आपका डेटा जो हम आपसे कलेक्ट कर रहे हैं वो हम सर्विसेज़ को बेटर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता कि भैया उसे आगे किस तरह से यूज़ किया जाएगा। तो यही एक रूल आया था GDPR जो यूरोपियन कंट्रीज़ में लागू हो चुका है, तो उसके तहत यूज़र्स को राइट होता है कि भैया हमारा डेटा अगर आपके पास है और हमें नहीं पसंद है कि आप हमारा डेटा रखें तो हम चाहें तो आपका हमारा डेटा आपके सर्वर से डिलीट करवा सकते हैं या एटलीस्ट जान सकते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप हमारी रख रहे हो। तो शायद अभी इंडिया में भी ऐसा टाइम आ चुका है कि GDPR लागू होगा अगर ये मामला बहुत लंबा चला, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मामला काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो गाइज़ अभी मुझे जो न्यूज़ ये पता चली तो मैंने सोचा कि यार वीडियो बना देता हूं, आपको बता देता हूं और आपसे एक ओपिनियन भी लेता हूं कि आप क्या करेंगे, आप क्या पेटीएम अभी यूज़ करेंगे या नहीं यूज़ करेंगे। मैं पेटीएम को अभी भी यूज़ करूंगा और आगे भी यूज़ करता रहूंगा अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदतर नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आपको बस बताना चाहूँगा कि भाई पेटीएम का डेटा लीक मामला सामने आ चुका है अभी, तो आप बताओ कमेंट्स में कि आप क्या पेटीएम ऐप को यूज़ करेंगे या फिर उसे आप अनइंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे पेटीएम ऐप के अगेंस्ट बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे हैं अभी, डिलीट पेटीएम या अनइंस्टॉल पेटीएम, और यहाँ पे पेटीएम को नेगेटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं ऐप स्टोर्स के ऊपर। तो बहुत सारे लोग हैं जो इससे गुस्सा हुए हैं कि भाई इस तरह से डेटा हमारा बिना हमारी परमिशन के कहीं भी कैसे शेयर किया जा सकता है। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को कि भाई इस तरह से शेयर नहीं किया जा सकता हमारा डेटा, हमारी भलाई के लिए यूज़ करें डेटा बट इस तरह से कहीं भी शेयर नहीं कर सकते, भले ही वो पीएमओ ऑफिस क्यों ना हो। तो गाइज आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपके क्या ओपिनियंस हैं इस बारे में। हालांकि मैं मुझे इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो भैया फेसबुक भी यूज़ करता हूँ, पेटीएम भी यूज़ करता हूँ और यूज़ करता रहूँगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप इसे यूज़ करते रहेंगे या फिर अनइंस्टॉल कर देंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, सब जगह बता दीजिए कि भैया पेटीएम का डेटा लीक हुआ है, डेटा शेयर हुआ है हमारा। तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह की टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेके आता रहता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।